सब महाराजा जो एयर इंडिया के हैं वो लग रहा था हाथ जोड़ के कह रहे थे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सब महाराजा को बचाना ये सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी भी है। एक नेशनल कैरियर आपका है, वो आपका प्राइड है, और हम उसको प्रतिदिन नया नाम देते हैं ताकि उसका कत्ल किया जा सके, उसको जिबा किया जा सके। सर मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय जी से, माननीय मंत्री महोदय जी, सर एयर इंडिया को बचा लीजिए, हाथ जोड़ के कहता हूं, महाराजा को बचा लीजिए, वो कॉमन मैन का महाराजा है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। वाह वाह। आई बिगिन विथ सर, आई कम फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई टीच इन यूनिवर्सिटी, और मैं जैसे प्राचीन काल में माननीय मंत्री जी सुनते हैं हम कहानियों की, राजा महाराजा वेश बदल करके जाते थे और देखते थे प्रजा की हालत क्या है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि विश्वविद्यालयों में जाकर के कभी कभार देख लिया कीजिए कि एक्सपेंशन का क्या नतीजा निकला, गुणवत्ता की क्या हालत है। 20-20 वर्ष से लोग एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं, तमाम तरह की आशंकाओं, तमाम तरह की चीजों में। और वेश इसलिए बदल लीजिए सर, क्योंकि अगर आप बिना वेश बदले जाएंगे ना तो आपको सारी फाइल गुलाबी दिखाई जाएगी। तो ये मेरा पहला आपसे आग्रह होगा। दूसरा है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, मैं खुद एक विश्वविद्यालय में सर विभागाध्यक्ष भी रहा हूं, ओबीसी एक्सपेंशन हुआ, फिर हुआ सर 55 की क्लासरूम बनी हुई है और आप 110 को पढ़ा रहे हैं, वहां सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो नॉलेज प्रोडक्शन और नॉलेज डिसमिनेशन कैसे होगा सर? इसको लेकर के ध्यान देने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के मैंने सदन में पहले भी कहा है कि इस सदन को सामूहिक रूप से तय करना होगा। आप रोहित एक्ट इनबिल्ट करिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ताकि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन पर, मैं समझ रहा हूं कि उस पर लगाम लगाई जा सके। सर दूसरी चीज, माननीय मंत्री महोदय, यूनिवर्सिटी में एक शब्द शुरुआती है यूनिवर्स, विश्वविद्यालय उसमें है विश्व, तो वैश्विक दर्शन को संकीर्ण ना होने देना है। विश्वविद्यालयों से लड़ाई, मैं समझ रहा हूं कई राज्य के अंदर ये भावना होती है कि विश्वविद्यालयों से लड़ा जाए। एक सेकेंड Under what role? I have a point of order. You are not supposed to use offensive expressions about the conduct or proceedings of the House. So this what has been said just now is an offensive expression. This is the beneath the dignity of this House, and that must be expunged. Please expunge. I think this should be expunged. I'll look into that report. Please, carry on. सर वो बदला ले रहे हैं मुझसे। एनीवे सर, मेरा वक्त उसका उतना सर ध्यान में रखा जाए। एक रोहित के नाम से मेरे कॉमरेड रागेश ने कहा, सर इस सदन में कितने लोग परिचित हैं मैं नहीं जानता, मखदूम मोहिउद्दीन थे सर, आंध्र के हैदराबाद के, निजाम के खिलाफ तेलंगाना रेबेलियन के फ्रंट में थे, जश्न आजादी, जंग आजादी और बहुत सारी चीजें, लेजिस्लेटर भी थे, कई जुबानों को बहुत खूबसूरती से बोलते थे। सर विश्वविद्यालय का नाम मखदूम मोहिउद्दीन पे हो, जिसने जंगे आजादी ना पढ़ी हो लेकिन बाजार का वो गाना फिर छिड़ी रात बात फूलों की, ये मखदूम मोहिउद्दीन का ही लिखा हुआ है। तो एक विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी मखदूम मोहिउद्दीन के नाम से किया जाए। और अंत में एक आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय, मैं इसके पक्ष में खड़ा हूं, आपने जो अमेंडमेंट बिल लाया उसके पक्ष में हूं, लेकिन पक्ष में होने के बावजूद आपसे कुछ, आपके समक्ष दरखास्त लगातार करता रहा हूं, क्योंकि शिक्षक हूं तो अक्सर आप ही से आमना सामना मेरा होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि विश्वविद्यालयों पर ध्यान दीजिए, तय करिए सर कि गुणवत्ता कैसे होगी, शिक्षकों की बहाली हो। एडहॉक टीचर्स का अगर आप देख ले हालत, 20-20 वर्ष से लोग 50वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं लेकिन अब तक नियुक्तियां उनकी नहीं हुई है, और अब तो तलवार लटक रही है कि शायद उनकी नियुक्तियां कभी ना हो। मैं अतः इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, और जय हिंद के साथ।